वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिलिंग इंजीनियर सिविल। आप देख सकते हैं कि जो राफ्ट है उसकी रेनफोर्समेंट बंधी हुई है और जो कॉलम्स है वो भी हमारे खड़े हो चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट लेंथ कॉलम की है वो कैसे हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप ड्राइंग पे देख सकते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ दी हुई है वो 50D दी हुई है। तो अगर हम कॉलम की लोकेशन पर चलेंगे तो इस कॉलम में जो बार्स दिए हुए हैं, एक तो 20 mm के बार्स है और 16 mm के बार्स है। तो जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं वो हम फुटिंग के टॉप से प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो ये हमारा कॉलम है तो इसकी जो यहाँ से टॉप ऑफ द फुटिंग से लेके जो ये सरिया मोड़ के जा रहा है इस पॉइंट तक, तो इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। और जो इसकी लेंथ है जो हमारे ड्राइंग में दी हुई है 50D, तो 20 mm के बार के केस में जो ये हमारी लेंथ है ये 1 meter होगी और जो ये वाला बार हमारा है ये 16 mm का है। और इसकी डेवलपमेंट लेंथ भी अगर हम चेक करेंगे इस पॉइंट से लेके ये घूम के यहाँ तक जा रहा है तो इसकी जो लेंथ होगी 0.8 meters होगी। इसी तरीके से अगर हमारा बार 25 mm का होगा तो उसमें जो डेवलपमेंट लेंथ जो हमारी होगी 1.25 meters होगी। होप आपको ये डेवलपमेंट लेंथ हम कॉलम में कैसे प्रोवाइड करते हैं समझ आया होगा। थैंक यू।